तो ये गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि होली अभी आने वाली है, तो आज हम करने वाले हैं होली स्पेशल फोटो एडिटिंग। अगर आप भी करना चाहते हो कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग, तो आपको कुछ इस तरीके की फोटो कैप्चर कर लेनी है अपने स्मार्टफोन के जरिए। फिर हम इस फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो गाइस, यहाँ पर हमारी फोटो हो गई है लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन। हमने इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में इसलिए ओपन किया है ताकि हमारी बैकग्राउंड के साथ इस फोटो को मैच करे। तो मैच करने के लिए सबसे पहले आपको टेम्परेचर में चले जाना है। टेम्परेचर में जाने के बाद आपको मिक्स में चले जाना है। मिक्स में जाने के बाद आपको ग्रीन कलर की सेचुरेशन और ल्यूमिनोसिटी को कम करना है। फिर हम येलो कलर की सेचुरेशन और ल्यूमिनोसिटी को कम करेंगे। फिर हम इस फोटो को सेव कर देंगे। अब हम इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। अब हम अपनी मॉडल इमेज को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड कर ली है अपनी मॉडल इमेज को। अब उसकी साइज को सही कर देंगे। फिर हमें इस मॉडल इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए इरेज में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव करेंगे हम। जहाँ पे हम ब्रश चलाएंगे वहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव होगा। और गाइस, यहाँ पर जितनी भी सारी इमेज को हमने यूज़ किया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड हो गया है रिमूव, तो अब हम डन कर देंगे। डन करने के बाद अब हम करेंगे अपनी इफेक्ट को यहाँ पर ओपन। तो सबसे पहले हमें ये कलर वाली इफेक्ट को ओपन करना है और उसकी साइज को हम सही कर देंगे। फिर वापस हम दूसरी इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमने ये वाली इफेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है। इस इफेक्ट की साइज को हम सही कर देंगे और इस इफेक्ट को हमें बैकग्राउंड में ले जाना है, इसलिए लेयर में जाके मूव डाउन करना पड़ेगा। फिर हम दूसरी इफेक्ट को यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर इस इफेक्ट को ओपन करने के बाद साइज भी उसकी सही कर देंगे और उसको भी हम मूव डाउन कर देंगे। अब हम तीसरी इफेक्ट को भी यहाँ पर ओपन करेंगे। इसी तरह से हम बारी बारी सभी इफेक्ट को ओपन करके उसकी साइज को कुछ इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पर हमारी इमेज हो गई है कंप्लीट, तो हम इस इमेज को यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ पर हमें इस इमेज की कलर एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर हमें लाइटरूम एप्लीकेशन में इस इमेज को ऐड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ऑटो दिख रहा है, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसमें लाइटरूम अपने हिसाब से थोड़ी कलर करेक्शन कर देगा। फिर हमें प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद हमें आर्टिस्टिक वन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम कर देंगे डन। फिर हमें टेक्सचर में चले जाना है, जहाँ पे हम विनेट को कर देंगे -13, क्लियरिटी को कर देंगे 20 और टेक्सचर को भी कर देंगे 20। तो गाइस, यहाँ पर हमारी एडिटिंग हो गई है कंप्लीट। अगर गाइस आपको एडिटिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की एडिटिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।